दोस्तों, भारत का रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO ने एक और खतरनाक मिसाइल पर सफलता हासिल कर ली है। इस मिसाइल के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। इसके साथ ही DRDO द्वारा तेजस एयरक्राफ्ट के लिए भी एक नई मिसाइल का निर्माण किया जा रहा है और तेजस मार्क 2 की पहली फ्लाइट को लेकर भी अपडेट सामने आई है। इन सभी खबरों के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले, आज हमारे चैनल पर 2.5 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और अगर आप में से किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, क्योंकि हम डेली आपके लिए डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी लेटेस्ट वीडियो लेकर आते हैं। दोस्तों, आज के समय में युद्ध लड़ने का तौर तरीका पूरी तरह से बदल चुका है। पहले यह समझा जाता था कि जिसके पास जितने बड़े और ताकतवर हथियार और शक्तिशाली परमाणु बम होंगे, वो उतना ही अजेय बन जाएगा। इस बात में सच्चाई भी है, लेकिन आज का युद्ध बड़े हथियारों से नहीं लड़ा जाता और इसका उदाहरण पिछले 3 युद्ध हैं, जिसमें अर्मेनिया अजरबैजान का युद्ध, हाल ही में हुआ इजराइल पैलेस्टीन का युद्ध, वहीं पर 50 दिन से ज्यादा समय से चल रहा यूक्रेन रशिया का युद्ध। इन युद्धों में ड्रोन, छोटी मिसाइल, मैन पोर्टेबल टैंक और एयरक्राफ्ट का ही इस्तेमाल हुआ है। वहीं पर इससे ये समझ में आता है कि टैक्टिकल युद्ध में छोटी मिसाइल और छोटे हथियार बेहद ज्यादा उपयोगी साबित होते हैं। यही वजह है कि भारत ने अपना फोकस छोटी मिसाइलों की ओर ज्यादा बढ़ा दिया है। पिछले साल अग्नि प्राइम का टेस्ट किया गया था, जो कि टैक्टिकल युद्ध में उपयोगी साबित होती है। इसी के तहत भारत प्रलय मिसाइल का भी परीक्षण कर रहा है। वहीं पर रिसेंटली हेलिना का भी परीक्षण किया गया था। कुल मिलाकर भारत एक युद्ध स्तर की तैयारी कर रहा है और इसी को देखते हुए भारत ने RM-1 यानी कि रुद्रम 1 का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। यह मिसाइल भारत के लिए बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए बन जाती है क्योंकि यह दुश्मन के रडार सिस्टम को ही ध्वस्त कर देती है। यह एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है। रुद्रम 1 मुख्य रूप से दुश्मन की हवाई सुरक्षा दीवारों को तोड़ने एवं नष्ट करने के लिए विकसित की गई है। रुद्रम 1 भारतीय वायुसेना के शस्त्रागार की अत्याधुनिक किस्म की नई और अनोखी मिसाइल है। इस मिसाइल को किसी भी मौसम में दागा जा सकता है। इस मिसाइल में एक खास तरह का GPS लगा हुआ है, जो इसे विशेष बनाता है। सामान्य रूप में इसकी हमला करने की क्षमता 100 से 150 किलोमीटर दूर तक की है। इस मिसाइल को 500 मीटर से लेकर 1500 मीटर की ऊंचाई से दागा या छोड़ा जा सकता है। यह RM-1 मिसाइल दुश्मन को आसमान में ही मात देने की आक्रामक क्षमता रखती है। इस मिसाइल से दुश्मन के सर्विलेंस, रडार ट्रैकिंग और कम्युनिकेशन सिस्टम को आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। इस मिसाइल की रेंज को भी परिस्थितियों के हिसाब से बदला जा सकता है। आने वाले समय में इसे मिराज 2000, जगुआर और तेजस जैसे एयरक्राफ्ट में भी इंडक्ट किया जाएगा। अभी इसे सुखोई में इंडक्ट किया गया है। सीमा क्षेत्रों से दागने पर यह मिसाइल चीन व पाकिस्तान के सामरिक एवं अन्य महत्वपूर्ण इलाकों को भी भारी नुकसान पहुंचाएगी। अब दोस्तों, इसी रुद्रम 1 मिसाइल के प्रोडक्शन शुरू होने की खबर सामने आई है। वहीं पर मिसाइल से ही जुड़ी एक और खबर DRDO की तरफ से निकलकर सामने आई है। दरअसल DRDO NGCCM यानी कि नेक्स्ट जनरेशन की क्लोज कॉम्बैट मिसाइल जो है, इनकी 5 यूनिट की फैब्रिकेशन प्रोसेस जो है वो DRDO ने शुरू कर दिया है। इनके फैब्रिकेशन पूरा होने के बाद इनके ट्रायल्स को कंडक्ट किया जाएगा। इसी ट्रायल के बाद यह निर्णय लिया जाएगा कि इस मिसाइल को किस किस एयरक्राफ्ट में लगाया जाएगा। अभी जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार NGCCM यानी कि नेक्स्ट जनरेशन क्लोज कॉम्बैट मिसाइल को तेजस एयरक्राफ्ट में इंडक्ट किया जाएगा। तो उस हिसाब से ये कहा जा सकता है कि ये एक नई मिसाइल है तेजस के लिए। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ, जो कि तेजस मार्क 2 को लेकर आई है। दरअसल तेजस मार्क 2 को लेकर ये अपडेट आई है, जिसमें ये बताया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की तरफ से कि तेजस मार्क 2 को अगले 1 जनवरी को रोल आउट किया जाएगा। पहले ये खबर आई थी कि इसे दिसंबर में रोल आउट किया जाएगा, लेकिन अब ये HAL की तरफ से कंफर्मेशन आ चुकी है कि जनवरी में ही नए साल पर यह एयरक्राफ्ट देखने को मिलेगा। वहीं पर इसको एरो इंडिया 2023 में डिस्प्ले भी किया जाएगा। वहीं पर 2023 में ही जब इसका लो और हाई स्पीड टैक्सी ड्राइव कंप्लीट कर लिया जाएगा, तो इसकी उड़ान की तैयारी शुरू कर ली जाएगी। खबरों के अनुसार 2024 में इसकी पहली फ्लाइट कंडक्ट कर ली जाएगी। स्टार्टिंग में HAL 3 से 4 एयरक्राफ्ट को बनाएगी, जिसको अलग अलग तरह से ट्रायल किया जाएगा और सब कुछ सही रहने के बाद इसे मास प्रोडक्शन में उतार दिया जाएगा। इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि इसमें 2027 से 2028 तक का समय लग जाएगा। वहीं पर इस बात में कोई डाउट नहीं है कि तेजस मार्क 2 भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित होने वाला है, क्योंकि तेजस मार्क 2 की सफलता से हमारे आने वाले 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट MCA पर काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और भारत की छवि निखर कर इस फील्ड में सामने आएगी। भारत का लक्ष्य है कि जिस तरह से आज हम मिसाइल के फील्ड में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन गए हैं, इसी तरह से एयरक्राफ्ट में भी हम आत्मनिर्भर बन जाएं। हालांकि इसके लिए चुनौतियां काफी ज्यादा है, लेकिन भारतीय वैज्ञानिक उसके लिए दिन रात मेहनत भी कर रहे हैं। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों के लिए और रुद्रम 1 मिसाइल के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।